दोस्तों, जब भी बड़े बैकअप्स लेने हों, ओवरनाइट फाइल ट्रांसफ़र हो, 2 टेराबाइट, 2.5 टेराबाइट एक साथ जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तब इन बेचारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स की जान निकल जाती है। क्योंकि गाइस, जो टेम्परेचर है इनका, ये 50 के ऊपर निकल जाता है, जो कि स्पिनिंग प्लेटर वाले हार्ड ड्राइव के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसके वजह से इसमें जो है डेटा करप्शन, डेटा लॉस का प्रॉब्लम आ सकता है और इनकी जो लाइफ है ये कम हो सकती है। तो एक सिंपल सॉल्यूशन मैं यूज़ करता हूँ गाइज़। मैंने ये जो है एक USB फ़ैन को करीब 15 साल पहले बनाया था। तब हमें ये जो है DIY करना पड़ता था। अभी ये जो फ़ैन है गाइज़, ये आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। मैंने बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको इस तरह का एक USB फ़ैन लेना है और हार्ड डिस्क के ऊपर इस तरह से रख देना है। काफ़ी बढ़िया चलता है और जो हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल कूल कूल रहती है। तो कुछ इस तरह से हार्ड डिस्क की लाइफ आप बढ़ा सकते हैं।